तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हुए किसी भी डॉक्यूमेंट को JPG से डायरेक्टली PDF में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे ऐसे ऐप्स अवेलेबल है जिसका यूज़ करते हुए आप किसी भी डॉक्यूमेंट को आप JPG से डायरेक्टली PDF में कुछ ही सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट मैं आपको यहाँ पर एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आपको बिना किसी ऐप का यूज़ करते हुए आप किसी भी डॉक्यूमेंट को JPG से डायरेक्टली PDF में कन्वर्ट कर लेंगे। सो यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं। सो अगर आप इसकी डिटेल्स देखेंगे तो आपको यहाँ पर ये जो इमेज है ये JPG इमेजेस है। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पर .jpg करके है, मतलब ये डॉक्यूमेंट JPG फॉर्मेट में है। सो मुझे इसको PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए आपको सिंपली अपने मोबाइल फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना पड़ेगा। सो आप यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र आपके मोबाइल फ़ोन में जहाँ भी है आप सिंपली इस क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए। एंड ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर इसके सर्च बॉक्स में टाइप करना है JPG to PDF। सो आप यहाँ पर JPG to PDF टाइप करके सर्च कर लीजिए और उसके बाद आपके सामने कई सारी वेबसाइट्स ओपन हो जाएंगी। और इसके बाद आपके सामने आपको यहाँ पर जितने भी वेबसाइट दिख रही है आप इनमें से किसी भी वेबसाइट को ओपन करके देख सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल के लिए सेकेंड नंबर पर एक वेबसाइट है www.ilovepdf.com करके एक वेबसाइट है। सो आपको मैं यहाँ पर इस वेबसाइट के जरिए PDF में कैसे कन्वर्ट किया जाता है मैं आपको यह करके दिखाने वाला हूँ। सो मैं आपको यहाँ पर आपको इस वेबसाइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। वेबसाइट के ओपन होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर में यहाँ पर एक ऑप्शन है सेलेक्ट JPG इमेजेस। सो आपको यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल फोन में जहाँ भी फ़ोटो है उस फ़ोटो को आपको यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यह डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं, मुझे इसी डॉक्यूमेंट को PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट करना था, तो मैं यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। और इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ऊपर में एक डन का ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा राइट साइड के कॉर्नर में। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं डन का ऑप्शन है। सो मैं यहाँ पर इस डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। और इसके बाद ये जो भी इमेज है इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर नीचे में सबसे नीचे में यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन है कन्वर्ट टू PDF करके एक ऑप्शन है। सो आप यहाँ पर इस कन्वर्ट टू PDF वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए और उसके बाद अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो PDF में कन्वर्ट हो चुका है। बट अब आपको इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। सो आप यहाँ पर इस डाउनलोड PDF वाले ऑप्शन पर क्लिक कर और उसके बाद आपको यहाँ पर दोबारा से डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा ये डॉक्यूमेंट जो था ये PDF फॉर्मेट में डाउनलोड हो चुका है। सो अब आपको अगर इस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है तो आप यहाँ पर अपने मोबाइल फ़ोन में फाइल को ओपन कर लीजिए और फाइल को ओपन करने के बाद आपको बिल्कुल सबसे ऊपर में ही आपका जो भी PDF फॉर्मेट में जो भी डॉक्यूमेंट डाउनलोड हुआ है वो आपको बिल्कुल ऊपर में शो करेगा। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर यह PDF फॉर्मेट में डाउनलोड हो चुका है। सो अब यहाँ से आप डायरेक्टली इस डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी दूसरे वीडियो में। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।